मगर शायद साहब अब सियासतदान की अगर हम बात करें ना, ये कहते हैं कि जी सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, तो एक समझा जाता है कोड वर्ड समझा जाता है कि जी गैर जमहूरी ताकतों को ज्यादा ताकतवर करने के लिए। तो सवाल फिर भी ये उठता है कि जो पार्लियामेंट है वही एक स्ट्रक्चर है जहां पे सियासी जमातें आती हैं, क्या सियासी जमातों के बगैर कोई मुल्क चल सकता है? हमने माजी में भी देखा है कि बेसिक डेमोक्रेसीज जो है वो सारी आमिर जो है वो लाए, सियासी जमातों के बगैर लाए, मगर वो चल ना सके। आपने खुद अपनी जिंदगी में देखा कि ऐसा हुआ, तो फिर आपके पास क्या सलूशन है? अगर पार्लियामेंट ही के जरिए हम नहीं चल सकेंगे और सारे डायलॉग्स बाहर होंगे, एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान होगा, दूसरा ये होगा तो फिर पार्लियामेंट का हम क्या करें? हम कोई फॉर्मल डायलॉग तो नहीं कर रहे ना, हम तो हर एक को मौका दे रहे हैं कि अपने मसाइल की बात करे, मुल्क के मसाइल की बात करे। अगर पार्लियामेंट कर रही होती तो जरूरत ही कोई नहीं थी। हम तो जगाना चाहते हैं इस निजाम को कि जागें, हालात को देखें, अपने नाक से आगे देखें। तो आप पार्लियामेंट को जगाने के लिए, ये पार्लियामेंट इस सियासी निजाम को, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आज हमारे सियासी निजाम में मुल्क के चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। ये मैं तो खुद इस निजाम का हिस्सा हूं। तो फिर इस निजाम से कौन लड़ेगा? चूंकि देखिए यही मसला है। तो हमें आज जागने की जरूरत है, आज सबको जागें। ये एक दूसरे को गालियां मत दें, इल्जाम मत लगाएं, जेलों में मत डालें, ये चीजें नहीं चलती। आज मुल्क के मसाइल इस मामले से बहुत बड़े हैं, हम ये कह रहे हैं। ये कहने की जगह तो आज निजाम को सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम कहां पर खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मगर फिर भी वो पार्लियामेंट के अंदर जाके ये बातें कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना, आज सेनेट के अंदर मैंने आपको जो तकरीरें सुनाई उसके अंदर सेनेट में बात हुई होगी, मैंने नहीं, मैं उसकी उसका कोई मुझे असर नजर नहीं आता। मैं हकीकत से आपको कहता हूँ, आपको जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो बातचीत हो रही है उसका आपको असर नजर नहीं आ रहा? नहीं आता। क्या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे से तावन करके, एक दूसरे की बात सुनकर मुल्क के मसाइल की बात कर रहे हैं? देखिए, आप एक टॉप टियर पॉलिटिशियन हैं, तो जब आप ये बात करते हैं कि जी हमें पार्लियामेंट से कुछ नहीं मिल रहा, जो सियासी लोग हैं, तो ये वाकई में बड़ा लम्हा फिक्रिय की बात है सबके लिए कि जी टॉप टियर के जो इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये कहीं नहीं जा रही। मगर जो बात आप डायलॉग कर रहे हैं, फिर आपका मकसद क्या है उस डायलॉग का? आप कहां क्या बात करना, वेयर डू यू होप, व्हाट डू यू होप टू अचीव, लेट्स से एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट डू यू होप? आप बात कर रही है ना मुझसे जी, बहुत से लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने अचीव कर लिया जो मैंने करना था। आज लोग बात कर रहे हैं, मैं अभी नीचे लोगों ने पूछा, असेंबली में था मैं, असेंबली के बाहर लोगों ने पूछा कि जनाब ये बहुत अच्छा कदम है, बात होनी चाहिए, मुल्क के मसाइल की बात होनी चाहिए। यही हमारा यही मकसद था, मकसद हल हो गया।